उज्जैन के अहमीखेड़ा गांव में संपूर्ण विश्व का भला हो इसी कामना को लेकर प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का वाचन और धार्मिक पूजा अनुष्ठान विधिवत रूप से करवाया जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एकत्रित होकर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, शीश नवाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। इन ग्रामीणों का मानना है कि संपूर्ण गांव के ग्रामीण जन भारतवर्ष में एक बार या अन्य बार मिलजुल कर एक साथ पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो संपूर्ण विश्व का भला होता है और उसी कामना के लिए हम सब लोग एकत्रित होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो एक नई उम्र नई लहर अवध में छा छा हमारा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष की पूरे विश्व की भलाई के लिए श्री रामचंद्र मानस मानस का पाठ किया जाता है, श्रीमद् भागवत की जाती है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। और ये आयोजन वर्ष में लगभग एक या दो बार लगातार चलता आ रहा है। कितने वर्षों से आयोजन होता है, क्या रहता है? ये लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए लगातार, हर साल में दोबार होता है। कहाँ कहाँ के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं? ये आसपास के लोग हमारे अमीरगढ़ी टकवासा जीरो अंजानगढ़ी बादलगढ़ी से लेकर कई गाँव लगभग 10-12 गाँव के ऐसे लोग हैं जो हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।